परंपरा और विरासत का एक अहम हिस्सा रहा है। योग की खोज भारत के ही ऋषि मुनि और योगियों ने की थी। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। केवल भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग काफी प्रचलित है, और जिन्होंने योग को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है उसमें से एक है बिहार स्कूल ऑफ योग। बिहार स्कूल ऑफ योग को दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। ये स्कूल दुनिया के पहले योग विद्यालय के रूप में जाना जाता है। स्वामी सत्यानंद ने 1964 में मुंगेर के गंगा नदी के तट पर की थी इसकी स्थापना। यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग बिना किसी भेदभाव के योग सीखते हैं। बताया जाता है स्वामी सत्यानंद के गुरु स्वामी शिवानंद 1937 में ऋषिकेश से मुंगेर आए थे। उन्होंने कई जगहों पर संकीर्तन के जरिए योग का संदेश दिया। इसके बाद उनके शिष्य सत्यानंद सरस्वती को मुंगेर में ही यह दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि योग भविष्य की संस्कृति है। साल 1964 में स्वामी शिवानंद के महासमाधि लेने के बाद स्वामी सत्यानंद ने मुंगेर में गंगा दर्शन आश्रम की नींव रखी और यही वह योग को आगे बढ़ाने में जुट गए। यही नहीं, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने योग सिखाने के लिए 300 से ज्यादा किताबें लिखी जिसमें योग के सिद्धांत कम और प्रयोग ज्यादा हैं। 2010 में सत्यानंद स्वामी के निधन के बाद बिहार स्कूल ऑफ योग की जिम्मेदारी स्वामी निरंजनानंद के कंधों पर आ गई। यह स्कूल केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, ये देश के विभिन्न कॉलेजों, जेलों, अस्पतालों और अन्य कई संस्थाओं में लोगों को योग का ज्ञान देते हैं। आज इस योग शिक्षा केंद्र के माध्यम से 14,000 शिष्य और 1,200 से अधिक योग शिक्षक देश विदेश में योग ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ खास दिनों पर महामृत्युंजय मंत्र, शिव महिमा स्त्रोत, सौंदर्य लहरी, सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी नियम है। बसंत पंचमी के दिन हर साल स्कूल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। मुंगेर के इस स्कूल की योग में भूमिका देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साल 2014 में मुंगेर को योग नगरी बताया था।